व्यवहार बदलने के लिए हमें बहुत पैसा लगाना पड़ता है। मुझे लगता है अमीरों द्वारा गरीबों की मदद किए जाने का जो सामान्य विचार है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मैं छोटा था तब मेरे बहुत सारे सपने थे और मुझे लगता है कि इनमें से ज्यादातर इसलिए पनप पाए क्योंकि मुझे बहुत अधिक पढ़ने का मौका मिला। सो लर्निंग करते रहिए। हर किसी को कोच की जरूरत होती है, ये मायने नहीं रखता कि आप एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं, एक टेनिस खिलाड़ी हैं, एक जिमनास्ट हैं या फिर एक ब्रिज प्लेयर। हम सभी को एक ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हमें फीडबैक दें, हम इसी तरह इम्प्रूव होते हैं। तकनीक बस एक साधन है बच्चों को एक साथ काम करने और मोटिवेट करने के लिए शिक्षक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि अगर आप लोगों को समस्याएं दिखाएं और आप उन्हें समाधान दिखाएं तो वह कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगी। टेलीविजन असल जिंदगी नहीं है, असल जिंदगी में लोगों को कॉफी छोड़कर जॉब पर तो जाना पड़ता है। हम हमेशा अगले 2 वर्षों में होने वाले परिवर्तन को अधिक महत्व तो देते हैं और अगले 10 वर्षों में होने वाले परिवर्तन को कम करके देखते हैं। हमारा विजन स्ट्रांग नहीं होता। अपने आप को निष्क्रिय नहीं होने दें। अपनी मेंटल साइकिल्स का मैं शायद 10% बिजनेस के बारे में सोचने में लगाता हूँ। बिजनेस इतना जटिल नहीं है। जिंदगी सेमेस्टर्स में नहीं बटी हुई है। आपको गर्मियों की छुट्टियां नहीं मिलती और बहुत कम एम्प्लॉयर्स आपकी मदद के लिए इच्छुक होते हैं। सो अपने आप को खोजिए। अगर नदी की तरफ देखें तो लीडर वो होंगे जो दूसरों को सशक्त बना सकें। यदि आप अच्छा नहीं बना सकते तो कम से कम ऐसा करिए कि वो अच्छा दिखे। अगर मैं पहले से कोई अंतिम लक्ष्य बना के चलता तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं उसे सालों पहले पूरा कर चुका होता? सफलता की खुशी मनाना अच्छा है पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। लाइफ फेयर नहीं है, इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। सफलता एक घटिया शिक्षक है, यह लोगों में यह सोच विकसित कर देता है कि वो असफल नहीं हो सकते। थैंक यू।